हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अन्नूज देसी स्टाइल। कैसे हैं आप लोग? आज मैं बनाने वाली हूँ भुजिया पोहा नमकीन। इस नमकीन को बनाने के लिए आपको जो जो सामान चाहिए वो सब आपके घरों में किचन में मिल जाएंगे आसानी से। और इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी बना सकते हैं और आप इसे 1-2 महीने तक बनाकर रख सकते हैं और आराम से खा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस नमकीन को बनाने के लिए सबसे पहले मैं नमक पारे बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने 1 कप आटा ले लिया है, सॉरी मैदा ले लिया है, और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है, थोड़ा सा मीठा सोडा और 1 चुटकी अजवाइन लेके मैंने अपनी हथेली पे क्रश करके डाल दिया है। अब इसके बाद मैं 1 चम्मच इसमें तेल डालूंगी और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को गूँथ लूँगी। और यहाँ पर मेरा आटा तैयार हो गया है। अब मैं चलती हूँ नमक पारा फटाफट से बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने एक साथ ही पूरे आटे को बेल लिया है एक ही लोई बनाकर। तो यहाँ मैं बड़ी सी रोटी बना ले रही हूँ और इसको मैं पतले पतले लेयर में काट के और इसके छोटे छोटे नमक पारे बनाऊँगी। बहुत बड़े नहीं बनाने हैं क्योंकि हमें नमकीन में डालना है। तो इस तरह से मैं पतले पतले नमक पारे काट लूँगी। इस नमकीन को बनाने के लिए आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी होती है, बहुत जल्दी बन जाती है और आपके फैमिली में बच्चे से लेके बड़े सभी पसंद करेंगे इस नमकीन को। तो यहाँ पे मेरे नमक पारे बन गए हैं। अब इसके बाद मैं इन्हें तल लूँगी। तो यहाँ पे मैंने तेल पहले से ही रख दिया था और मैं इन्हें अच्छे से ब्राउन होने तक तलूँगी। यहाँ पे मेरे नमक पारों की साइज़ थोड़ी सी बड़ी हो गई है तो नमकीन में डालना है, इसलिए छोटी साइज़ होती तो और अच्छा रहता। तो अगर आप बनाएं नमक पारे नमकीन में डालने के लिए तो साइज़ छोटी ही रखें। तो यहाँ पे मेरे नमक पारे तल गए हैं। इस नमकीन को बनाने के लिए मैंने आगे क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड की हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये सारे सामान लिए हैं जो कि आपके किचन में बहुत ही आसानी से अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पे मैंने ये पोहा लिया है जिसको चूरा भी बोलते हैं। ये मैंने काजू ले लिया है जिसको मैंने बीच से अलग कर दिया है, 2 भागों में कर लिया है। ये मैंने किशमिश लिया है तो इसमें ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा पड़ने वाले हैं। और ये मैंने नारियल लिया है सूखा, इसको मैंने इस तरह से काट लिया है। और ये छोटे साइज़ में मैंने मखाना ले लिया है। और ये मैंने चाट मसाला ले लिया है, अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप अमचूर भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने चीनी ले ली है। इसके बाद मैंने नमक लिया है और ये मूंगफली ले ली है। और ये मैंने 4 से 5 करी पत्ते ले लिए हैं, 3 लाल मिर्च ले ली है मैंने। इसके बाद मैं साबूदाने लूँगी। मेरे साबूदाने बहुत ही छोटे साइज़ में हैं, आपके पास अगर बड़े होंगे तो वो भी डाल सकते हैं। या फिर इनमें से आपके पास कोई चीज़ें नहीं हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी नमकीन फिर भी बहुत अच्छी बनेगी। और ये मैंने हल्दी ले ली है। तो ये सारे जो सामान हैं मैं इन्हीं से अच्छी सी नमकीन तैयार करने वाली हूँ। तो चलिए आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तेल लिया है और मैं इनमें पहले साबूदाने तलूँगी। साबूदाने को चलाते रहें नहीं तो ये नीचे से चिपक जाएंगे, लाल नहीं होने चाहिए, बस अच्छे से तल जाएँ। अगर आपके पास फूड कलर हो ग्रीन कलर का तो वो आप डाल दें जिससे कि बहुत अच्छी नमकीन दिखेगी, बिल्कुल मार्केट जैसी। मेरे पास तो नहीं था तो मैं नहीं डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने साबूदाने तल लिए हैं। आप लोग को एक चीज़ बता देती हूँ कि यहाँ पे आप कोई भी चीज़ तलने के लिए एक साथ तेल ना डालें, थोड़ा थोड़ा सा तेल डालें उसके बाद इन सबको तलें, क्योंकि जितना आप एक साथ तेल डालेंगे तो नीचे का तेल काला होता जाएगा और आपकी नमकीन अच्छी साफ़ नहीं दिखेगी। इसलिए आप जो तलें उसके लिए थोड़ा सा ही तेल डालें। तो यहाँ पर मैंने साबूदाना तल लिया है, अब मैं मूंगफली तलूंगी। इन सबको तलने में आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी ये नमकीन बन जाती है। तो ये मूंगफली चटकने तक मैं इसे तलूंगी। तो देख सकते हैं कि मेरी मूंगफली चटक चुकी है, अब मैं इन्हें निकाल लूंगी। और इसके बाद मैं नारियल तलूंगी जो कि मैंने स्लाइसेस में काट लिए हैं मीडियम साइज़ के। इसको तलने के लिए सिर्फ आपको 1 मिनट या 1 मिनट से कम ही लगेंगे, ज़्यादा देर तक इन्हें बिल्कुल भी ना भुने नहीं तो ये बहुत जल्दी जल जाते हैं और खाने में इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा, जल जाएंगे तो जाहिर सी बात है ख़राब ही लगेगा। तो आप इन्हें 1 मिनट से कम ही तलें। इसके बाद मैं काजू तलूंगी, ये भी बस थोड़ा सा ब्राउन करना है, बहुत देर तक नहीं तलना है। तो यहाँ पर काजू भी तल गए हैं। इसके बाद मैं किशमिश तल ले रही हूँ, इसको मैं फूलने तक ही तलूंगी। तो देखिए तेल में डालते ही अच्छे से फूल गए हैं,
अब मैं इन्हें निकाल लूँगी और इसके बाद मैं मखाने तलूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो छोटे साइज़ के मखाने लिए हैं उन्हें तल लूँगी। मैं थोड़ा सा ही तेल डाल रही हूँ, मैं ज़्यादा तेल बिल्कुल भी नहीं इसमें यूज़ करूँगी क्योंकि जितने तेल इसमें रहेंगे सारे ये पी जाएंगे। मखाना भी बहुत ज़्यादा तेल अब्ज़र्व करता है, तो मैं थोड़ा सा ही इसमें तेल डाल के इन्हें भी तल ले रही हूँ ब्राउन होने तक। ये मैं हेल्दी नमकीन बना रही हूँ जिससे कि मेरा बाबू भी खा सके, तो मैं बहुत ज़्यादा तेल नहीं डाल रही हूँ, तेल सबके लिए हानिकारक ही है। तो यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट्स तल गए हैं, नमक पारे बन गए हैं और अब मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के 1 चम्मच हल्दी डाल रही हूँ और मैं पोहे तल लूँगी इसमें। हम सभी 1 महीने से लॉकडाउन की वजह से घर में बंद हैं, तो ज़्यादा ऑयली खाने से बचना चाहिए हम सबको। तो यहाँ पे मैं बहुत कम ही तेल यूज़ कर रही हूँ, तेल तो लग ही रहे हैं पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा तेल नमकीन में ना लगे क्योंकि ज़्यादा तेल खाएंगे तो ज़्यादा फैटी होंगे। तो यहाँ पे पोहे भी तल गए हैं। अब मैं इसके बाद कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लूँगी, इसके बाद करी पत्ता और लाल मिर्च तोड़ के इसमें डाल दूँगी। इसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच हल्दी ऐड करूँगी और अब हम एक एक करके इसमें सारी चीज़ें डाल देंगे जो पहले ही तल के रखी हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले साबूदाना और नमक पारा इसमें डाल रही हूँ और इन्हें हम चलाते जाएंगे जिससे कि हल्दी का कलर अच्छे से इन सब पे आ जाए। अब मैं यहाँ पे पोहे डाल रही हूँ जिसपे मैंने पहले ही हल्दी डाल दी थी। तो यहाँ पे आप लोग कलर देख सकते हैं नमकीन का कितना अच्छा लग रहा है। अब इसके बाद मैं इसमें सबसे पहले मूंगफली ऐड करूँगी और ये अब मैं मखाने डाल दे रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें नारियल डाल दे रही हूँ जो तले हुए हैं, काजू डाल दिया है और ये किशमिश डाल दिया है मैंने। अब मैं इसमें 2 चम्मच चीनी ऐड करूँगी, तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच चीनी डाल दी है और अब इसके बाद मैं इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दे रही हूँ और अब ये मैं इसमें चाट मसाला डाल रही हूँ। चाट मसाला डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब यहाँ पे मैं 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, ये सिर्फ मैं कलर के लिए डाल रही हूँ, आप चाहें तो लाल मिर्च दोबारा से ऐड कर सकते हैं, मुझे बहुत तीखी नमकीन नहीं चाहिए थी तो यहाँ सिर्फ मैं कलर के लिए इसे डाल रही हूँ। तो चटपटी सी नमकीन बन के तैयार हो गई है, अब मैं इसे बाउल में निकाल लूँगी। इस नमकीन को बना के आप एक एयर टाइट कंटेनर में रख के इसे 15 से 20 दिन तक आराम से खा सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी नमकीन है क्योंकि इसमें मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स ही डाले हैं। तो आप लोग को मेरी ये नमकीन की रेसिपी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मैं आप लोग से मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।